कैसा महसूस हुआ जब आपने रिजल्ट देखा, कैसा लगा? बहुत ओवरवेलमिंग है और बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करूँगी एग्जाम्स में, पर इतना अच्छा आएगा कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे आगे साइकोलॉजी करनी है और मैं साथ में क्लासिकल डांस सीखती हूँ, दिल्ली में मैं सीखती हूँ और मैं परफॉर्म भी करती हूँ, तो मुझे उन दोनों को साथ में लेकर आगे करना। अच्छा, जैसे फैमिली बैकग्राउंड बताइए, फादर क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेस मैन है, उन ही मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनिक मैन्योर, एंड मेरी मॉम हाउस वाइफ है। स्कूलिंग मैं 10th तक होली एंजल्स में थी और 11th और 12th, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ऑप्ट करनी थी और हमारी सिटी में ह्यूमैनिटीज़ तब तक किसी भी स्कूल में नहीं थी, तो आई वांट टू थैंक माय प्रिंसिपल जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएट किया और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ स्टार्ट करी, तो 11th और 12th मैंने SD पब्लिक स्कूल से किया। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपकी स्टडी के दौरान? फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं दोनों को ही, अपने मॉम और डैड दोनों को ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा के सैक्रिफाइसेस और मेरी मॉम का इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रहा है और शी एंश्योर दैट आई वाज नॉट एट ऑल अंडर एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सो मैंने बताया कि मैं साइकोलॉजी ऑप्ट करना चाहती हूँ और मुझे साथ में सोशल वर्क करना है। जूनियर को कुछ कहना चाहेंगे इसमें, इस सफलता के लिए जूनियर को क्या कहना चाहेंगे इस सफलता के लिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए? यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे नहीं पढ़ो कि एंड पे ही आपका सब 2-3 महीने पढ़ के आप कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। आप स्कूल में अच्छे से पढ़ो, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल डाउट मत रखो, एंड तक आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए और पूरे साल मेहनत करो तो आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। थैंक यू। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, आज मैं इतना खुश हूँ जिस टाइम मुझे न्यूज़ पता लगी, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत टॉपर रही है बचपन से ही, जब से होली जिसमें पढ़ी है नर्सरी से 10th तक, उसके बाद 11th 12th इसने SD पब्लिक में ज्वाइन किया और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही है, कभी भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके अलावा क्लासिकल डांस फॉर्म भी, कथक में भी बहुत आगे है, दिल्ली में बहुत अनेक कार्यक्रम में भागीदारी करी है इसने, अभी वर्ल्ड डांस डे पर भी मेघदूत ऑडिटोरियम संगीत नाटक एकेडमी में मंडी हाउस में इसने भी परफॉर्मेंस करी है वहाँ पर, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ नाम रोशन करेगी मुजफ्फरनगर का। परिवार के लिए तो ये हमारा नाम रोशन, मेरी दो बेटी हैं, लेकिन ये दोनों बेटी मेरे लिए सब कुछ है। आप समझ सकते हैं कि बेटी मुझे क्या दे रही है, नाम, नेम, फेम, सब कुछ। मुझे बहुत खुशी है आज, मेरे पूरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरे सब बहनों को बहुत खुशी है, हम लोग बहुत पसंद है। कभी पढ़ने के लिए दबाव बनाते नहीं, हमने कभी दबाव नहीं बनाया, वो खुद ही अपने आप इतना पढ़ाई में उसका लगन है कि हमें कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। किस तरह की होगी आगे चलकर, क्या बनना चाहती है? आगे साइकोलॉजी में ये डांस थेरेपिस्ट बनना चाहती हैं, आगे चल के मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करनी है, कुछ अलग करना चाहती हैं। आज मुजफ्फरनगर का आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है जी, किस तरह का एक परिवर्तन मानते हैं यहाँ की जो हालत, यहाँ के बच्चों को एक मतलब इनिशिएटिव मिलेगा कि जब करिश्मा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसने शुरू से पढ़ाई में Day 1 से पूरा पढ़ाई पे ध्यान दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ाम के टाइम ही बच्चा पढ़ता है और उसके बाद में एग्ज़ाम देता है, ऐसा नहीं हुआ शुरू से। और इसकी मम्मी ने, मोनिका अरोड़ा जो मम्मी हैं इनकी, मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, वो खुद ही पढ़ाती, कभी इसने ट्यूशन नहीं लगाई, बगैर ट्यूशन के ही सब कुछ संभव हो पाया। ओके, भाई ठीक कर लो ना, क्या तुम अकेले खड़े बोल रहे? मैडम मैम प्लीज, आप पेरेंट्स सर प्लीज, सर मैडम खाना बनाकर खाने वाले पेरेंट्स भी आप भी।